मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और औद्योगिक राजधानी इंदौर ना सिर्फ केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। भारत के इस खूबसूरत शहर में आपको ऐतिहासिक धरोहरें तो देखने को मिलेंगी ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप खाने के दीवाने हैं तो इंदौर से बेहतरीन खाना शायद ही आपको कहीं और मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इंदौर शहर के सफर पे हमारे साथ, और वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, और यहाँ आने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या रहेगा। और साथ ही वीडियो के एंड में हम आपको कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप कितने दिन का ट्रिप यहाँ के लिए प्लान करें और वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। दोस्तों, वो अक्सर कहा जाता है ना कि असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस इंदौर के खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंदौर लगभग 193 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ आने के लिए आपको भारत के किसी भी कोने से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, वरना आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से इंदौर का सफ़र तय कर रहे हैं तो आपको 3,000 से 4,000 रुपये तक की फ़्लाइट मिल जाएगी। बस आप एक बात का खास ख्याल रखें कि फ़्लाइट्स की बुकिंग आप 1-2 महीने पहले ही करा लें, उस वक्त आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ेंगी। और उसके अलावा आप इंदौर ट्रेन या फिर बस के सहारे भी आ सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा तरीका इंदौर आने का ट्रेन से रहेगा। इंदौर पहुंचने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से इंदौर तक की डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। आपको दक्षिण भारत, राजस्थान, पूर्वी भारत और उत्तर भारत हर जगह से इंदौर तक की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। थर्ड एसी का किराया 1100 रुपये तक रह सकता है और फर्स्ट एसी का 2800 रुपये तक। और दिल्ली से इंदौर तक के सफ़र में आपको लगभग 12 से 13 घंटे का वक्त लग ही जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप इंदौर बस से भी आ सकते हैं, लेकिन बस से आपको सफ़र थोड़ा टायरिंग और लंबा लगेगा। तो हमारा सजेशन यही रहेगा, या तो आप फ्लाइट या फिर ट्रेन का सहारा लें, और अगर आपको वो चीज़ें कॉस्टली लग रही है फिर आप बस का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो कर ली बात हमने कि आप इंदौर भारत के और कोनों से कैसे पहुंच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इंदौर में आप कहां रुक सकते हैं। इंदौर में रुकने के लिए हमारा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप विजयनगर के आसपास ही होटल देखें। वहां आपको बजट में और बहुत तरह के होटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि होटल कोणार्क या होटल रॉयल पैलेस। और विजयनगर में होटल लेने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको लोकल साइट सीइंग पॉइंट्स बहुत ही कम डिस्टेंस पर वहाँ से मिलेंगे। होटल में चेक इन करने के बाद सबसे पहली जगह जिसे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस खजराना मंदिर। खजराना मंदिर हिंदू देवता श्री गणेश जी को समर्पित है, और इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पे कोई इच्छा मांगे तो भगवान उसकी वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं। और खासकर बुधवार और रविवार को तो आपको यहाँ पर भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इंदौर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो खजराना मंदिर को अपने विश लिस्ट में ज़रूर डालें। दूसरी जगह जिसे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है छप्पन दुकान। इंदौर की छप्पन दुकान यहाँ के जायके का लुत्फ उठाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, और इसे हम इंदौर का दिल भी कह सकते हैं। सुबह 6 बजे से खुलने वाली ये दुकानें आपको शाम के 10 बजे तक खुली मिलेंगी, और यहाँ पे आप हर तरीके के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप हैं एक स्ट्रीट फूड लवर तो आप यहाँ पे बहुत से व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि चाट, पापड़ी, खमन, ढोकला और इत्यादि। इस जगह को कवर करने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने इंदौर के सफ़र में कवर कर सकते हैं वो है कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पहुँचने के लिए आप 56 से कैब या फिर ऑटो का सहारा ले सकते हैं। या इंदौर घूमने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहेगा कि फर्स्ट डे आप यहाँ पे बाइक या फिर स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं,
जिसका किराया 500 से 1000 रुपये तक वेरी करेगा और उसके साथ आप पूरे इंदौर को बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। इंदौर स्थित कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की सांपों की प्रजातियाँ, पंछियों की प्रजातियाँ, नील गाय और चिंकारा देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे दरियाई घड़ियाल और वाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर को भी देख सकते हैं, जो यहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंदौर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क को अपनी विश लिस्ट में जरूर डालें। और अगर आप परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं तो इससे बेहतरीन जगह वक्त बिताने को आपको कहीं और शायद ही मिलेगी। कमला नेहरू जूलॉजिकल पार्क कवर करने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस राजवाड़ा पैलेस। राजवाड़ा पैलेस इंदौर के मुख्य आकर्षण केंद्रों में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह लगभग 200 साल पुराना है और आज भी आपको यहाँ पे बहुत खूबसूरत म्यूजियम देखने को मिलेगा। इस महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल शैली के कई रूपों व वास्तु शैलियों का मिश्रण है और आज भी आपको इसकी खूबसूरत झलक यहाँ देखने को मिल जाएगी। इंदौर शहर के बीचों बीच स्थित रजवाड़ा महल को होलकर राजाओं ने बनाया था और रजवाड़े का मतलब ये होता है जहाँ पे राजे रजवाड़े अपना रहने का स्थान रखते हैं। आज भी आपको यहाँ के म्यूजियम में उस वक्त राजाओं के द्वारा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि उनकी पुरानी बर्तन, बंदूकें और साथ ही आपको छोटी कठपुतलियाँ भी यहाँ देखने को मिलेंगी। रजवाड़ा महल कवर करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिससे आप अपने इंदौर के ट्रिप में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस कांच मंदिर। कांच मंदिर एक जैन मंदिर है जिसकी बाहर की दीवारें सफ़ेद पत्थर से बनी है और अंदर की सारी दीवारों में आपको कांच देखने को मिलेगा। 20वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर में आपको भगवान महावीरा की मूर्ति देखने को मिलेगी। कांच मंदिर को विजिट करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसे आप इंदौर में कवर कर सकते हैं वो है खूबसूरत लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस इंदौर शहर के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है और खान नदी के तट पे होने के कारण इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण यहाँ के महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था और आज भी इस महल को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इस महल में आपको होलकर राजाओं की जीवन शैली की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। और खासकर दोस्तों, जब आप इस महल के टूर पे जाएंगे जिसके लिए आपको टिकट 20 से 30 रुपए के आसपास पड़ेगी, तब आप यहाँ पे बहुत से कमरे भी देख सकते हैं जिनमें आपको डाइनिंग हॉल या फिर वहाँ के प्राइवेट रूम्स भी देखने को मिलेंगे जो उस वक्त के राजाएं इस्तेमाल करते थे। लाल बाग को विजिट करने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप इंदौर शहर में कवर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस शराफा बाजार। इंदौर का शराफा बाजार इंदौर ही नहीं बल्कि भारत के सबसे अनोखे बाजारों में से एक है, क्योंकि दिन को ये बाजार गहनों का होता है जो रात को खाने के बाजार में बदल जाता है। और अगर आप हैं एक फूडी तो आपको शराफा बाजार में हर तरह का खाना खाने को मिलेगा, चाहे वो दही वड़ा, मेंदू वड़ा, साबुदाने की खिचड़ी या फिर यहाँ के फेमस पराठे ही हों। और इस बाजार की एक और खास बात यह है कि ये बाजार रात को 9-10 बजे के आसपास खुलता है और ये लगभग 2 या 3 बजे तक चलता है और उस वक्त आपको यहाँ पे लगभग 3 से 3,500 लोग एक वक्त में मिल जाएंगे और आपको चलना भी मुश्किल हो जाएगा, और यही तो इस बाजार की खास बात है। शराफा बाजार को घूमने के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप इंदौर में कवर कर सकते हैं वो है पताल पानी वाटरफॉल, जो इंदौर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वाटरफॉल में पानी लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी गहराई आज तक शायद ही नापी गई होगी। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसे आप इंदौर शहर में कवर कर सकते हैं वो है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इंदौर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आपको नेचर पसंद है तो इससे बेहतरीन जगह शायद ही आपको इंदौर में मिलेगी।
और इन सभी जगहों के अलावा आप इंदौर में ओमकलेश्वर मंदिर भी घूम सकते हैं, और उसके अलावा सेंट्रल म्यूजियम और अन्नपूर्णा टेम्पल भी इंदौर की प्राइम डेस्टिनेशंस में से है। तो दोस्तों, अगर आप भी इंदौर का ट्रिप प्लान करें तो इन्हीं सभी लोकेशंस को अपनी विशलिस्ट में ज़रूर डाल लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इंदौर का टूर प्लान कैसे बना सकते हैं। इंदौर घूमने के लिए आपको 3 से 4 दिन बहुत होंगे। 2 दिन आप लोकल साइट सीइंग के लिए रख सकते हैं और 1 दिन आप राला मंडल और ओमकलेश्वर टेम्पल को विजिट करने के लिए, और उसके साथ ही आप अन्नपूर्णा टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। और इस ट्रिप में आपको खर्चा लगभग 15,000 रुपये के आसपास आएगा, जिसमें आपका स्कूटी का रेंट, होटल का रेंट और इन सभी जगहों को घूमने का खर्चा रहेगा। और इस जगह को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच में रहेगा, जब यहाँ पे बहुत ही कम गर्मी होगी और मौसम बहुत ही शानदार होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र इंदौर शहर का। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।